Om Ajnanatimrandasy Jnananjanashalakaya Chakshurnamilitam Ena Tasmai Shri Gurve Nama. Shri Chaitanya Manovistam Isthapitam Ena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Svabhidantikam. Vande Aham Shri Guru, Shri Yutupada Kamalam, Shri Guru Nvaishnavascho, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita, Shri Vishakhanvitascho. He Krishna Karuna Sindho, Deen Bandhu Jagatpate, Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Radha Kant Namostute Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Gopal. Priya Bhai Behen Priya Srotagan Satsang Premi Jano Swagat hai aapka Hardik Srimad Bhagavad Gita ki Satsang Samaroh mein Parhariye aur mere saath Bhagwan Sri Krishna ko प्रणाम कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayesu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Uttamam Tam ishloke bhaktir bhavati nashti ki om shanti 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 shushanti bhavatu jai gopal ग्रंथरा श्रीमद् भागवत गीता सभी को आनंद प्रदान करने वाली सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली भगवान से मिला देने वाली भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है पद्मनाभ भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है निष्कासित हुई है या स्वयं पद्मनावश मुख पद्मादुनी ही सरता निश्रित होने वाली वाणी है भगवान के मुखारविंद से ज्ञान के फूल झड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जिनका पान कर रहा है और अर्जुन के माध्यम से अर्जुन की जिज्ञासा भरे प्रश्नों से ये सभी संसार को भागवत गीता का ज्ञान मिला है आइए
श्रीमद् भागवत गीता के नवे अध्याय में अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, यदि कोई बुरे कर्म करने वाला प्राणी भी, दुष्कृतिनो, जो बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, पाप कर्मों में उलझा हुआ प्राणी है, वो व्यक्ति भी किसी मेरे शुद्ध भक्त की शरण में आके मुझे जानने का प्रयास करे और मेरा भजन करे तो वह भी मुझे प्राप्त कर लेता है और वह साधु है, उसको साधु कहना चाहिए, पापी या छोटा नहीं कहना चाहिए या बुद्धिहीन नहीं कहना चाहिए, उस साधु रे मंतव्य, साधु के समान ही उसको समझना चाहिए जो मेरे भजन में लग गया है। दुष्कृतिनो, चाहे भले ही उसके काम अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, बुरे कामों में उलझा हुआ है, चोर है चोरी कर रहा है, डाका है डाका डाल रहा है डाकू, बेईमान बेईमानी कर रहा है, रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है, फिर भी यदि वह मेरी सेवा में, मेरे भजन में, मेरे ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह भी साधु कहलाने का हकदार है, उसे भी साधु कहना चाहिए। वो साधना कर रहा है, साधना करते करते एक दिन इसके बुरे काम गिर जाएंगे और अच्छे काम करने लगेगा, बुरे विचार गिर जाएंगे, अच्छे विचारों से जीवन जीने लगेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नैमि भक्ता प्रयच्छति। यदि कोई दुराचारी भी भगवान का भजन करता है, कोई लेस इंटेलिजेंस और लेस इंटेलिजेंस वूमेन और प्रॉस्टिट्यूट वैश्या और कोई व्यापार में फंसा हुआ, उधेड़ बुन में लगा हुआ, रात दिन पैसे गिनता हुआ भी व्यक्ति मेरे भजन ध्यान में लग जाता है, मुझे नहीं भुलाता अपनी दिनचर्या में, तो वह भी मुझे प्राप्त करता है अभ्यास से, साधना से। साधन साधन भक्ति क्या है, यह ऐसे ही लोगों के लिए है। भक्ति के तीन दर्जे शास्त्र में रूप गोस्वामी महाराज भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से वर्णन करते हैं कि तीन प्रकार की भक्ति होती है। इसमें एक साधन भक्ति होती है, भक्त जो है साधना में लगता है, गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, तिलक निकालता है, माला धारण करता है, जप करता है, सुबह जल्दी उठता है, गुरु जो जो आदेश करता है वो सब पालन करता है, साधना करता है, अभ्यास करता है, मंत्र जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी उनका गुरु मंत्र दे, भगवान की मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम का मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम इत्यादि, श्री कृष्ण शरणम ममः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सब उस परमेश्वर के मंत्र हैं, इनमें परमेश्वर की प्रार्थनाएं हैं, उनको रिझाने के मंत्र हैं। साधन भक्ति है, दूसरे दर्जे पर भाव भक्ति है, साधना करते 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 और भक्त के भाव खिलने लगते हैं, भाव में प्रवेश होने लगता है, भावुक होने लगता है, कभी
प्रेम के अश्रु झलकते हैं, कभी वियोग के अश्रु झलकते हैं आंखों से, कभी भगवान को जोर जोर से पुकारता है, अलाप लगाता है, कभी ऊंचे स्वर में कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, कभी फूल चुन के लाता है, भगवान के चरणों में अर्पण करता है, कभी सुंदर भगवान को भोजन बनाता है, भोग लगाता है, उसके भाव निखरने लगते हैं, कभी उदासीन सा बनकर, बैरागी सा बनकर और सड़कों पर चला जाता है, बाजार में चला जाता है, जंगल में चला जाता है, नदी के किनारे बैठ जाता है गुमसुम होकर के प्रभु की याद में, भाव विभोर रहता है। ये दूसरे दर्जे का ऊंचा पहुंचा हुआ भक्त है, साधन भक्त से ऊपर है। तीसरे दर्जे पर प्रेमा भक्ति है। कहिए कि प्रथम दर्जा प्रेमा भक्ति का है, दूसरा दर्जा भाव भक्ति का है और तीसरा साधन भक्ति का है। प्रेमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है, इसी को परा भक्ति कहा है, इसी को शुद्ध भक्ति कहा है, निर्मला भक्ति। इसमें मल नहीं, विकार नहीं। इस फर्स्ट दर्जे की भक्ति में भक्त रोता है तो संसार के लिए नहीं रोता, या इसलिए नहीं रोता कि मेरा मंदिर नहीं बना, या मेरा घर नहीं बना, या मेरे बच्चा डॉक्टर नहीं बना, या कोई दुख से पीड़ित होकर, नहीं। प्रेमा भक्ति में भक्त का जो महाभाव खिलता है वो परम शुद्ध होता है, प्रभु से के दर्शन चाहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, प्रभु से बात करना चाहता है, प्रभु को आलिंगन करना चाहता है, प्रभु का वियोग सहन नहीं होता है, उसे जलता है, जलन पैदा होती है हृदय में, विरह अग्नि में जलता है। प्रेमा भक्ति का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण शास्त्रों में गोपियों का दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में सुखदेव गोस्वामी जी व्याख्यान करते हुए उपदेश कर रहे हैं कि प्रेमा भक्ति गोपियों के हृदय में सर्वश्रेष्ठ होती है। गोपियां भगवान को नहीं भुला पाती, उनके चिंतन में सदैव चित चोर बसे रहते हैं, उनके मनन में माखन चोर बसे रहते हैं, उनके निद्रा में नटवर नागर होते हैं, उनके कर्मों में कृष्ण कन्हैया होते हैं। अष्ट प्रहर प्रभु को नहीं भुला पाते, प्रेमा भक्ति में ओतप्रोत होते हैं, ये निर्मला होती है ये भक्ति, इसमें मल नहीं होता। पहली और दूसरे दर्जे की भक्ति में कुछ मल अवशेष रह जाता है। दूसरे दर्जे की भक्ति में भी भक्त भाव भक्ति में विचार उठाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, एक बहुत सुंदर तेरा मंदिर बनाना चाहता हूं, विशेष खंभों के साथ, 108 मार्बल के विशेष खंभे हों तेरे मंदिर में, सुंदर गुंबज बनी हुई हो मार्बल की, प्रकाशित हो और दिव्य मूर्तियां आपकी मंदिर में विराजमान हो, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए, गोविंद मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूं। इसमें भी अश्रुपात होते हैं। ये भाव भक्त भी साधारण नहीं, ये भी श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन प्रेमा भक्ति बहुत विशेष है। जिनको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है इस संसार में वो नहीं रहते, ये देह त्याग कर वो अपने प्रभु को मिल जाते हैं, प्रभु की ओर चले जाते हैं, प्रभु के धाम में चले जाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं।
गोपियों का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण प्रेमा भक्ति में दिया गया है। गोपियां अपने घर में रहती थी, अपनी पतियों के लिए सेवा करती थी, बच्चों को पालती थी, भोजन बनाती थी, गऊ का दूध निकालती थी, घर को साफ करती थी, पानी भर भर के लाती थी, खेतों पर जाके काम करती थी। लेकिन उनके चित्त से चित्त शोर भगवान श्री कृष्ण नहीं उतरते थे, सदैव पागल सी बनी रहती थी उनके देखने के लिए, लालायित रहती थी। उनका कानों में यदि कृष्ण का नाम भी आ जाए तो होश भूल जाती थी। ऐसे और भी भक्त हुए हैं, बहुत उदाहरण है, जिनके कानों में भगवान का नाम भी आ जाए तो महाभाव को प्राप्त हो जाते हैं। कोई उनके ऊंट को ऊंचे स्वर में पुकार दे वो महाभाव को प्राप्त हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है सबने, वो बड़े प्रकाशमान भक्त थे, काली माता के भक्त थे, लेकिन उनका नाम तो राम और कृष्ण नाम से संबोधित था। जब कोई उनको कोई आवाज देता था राम कृष्ण, उनका कोई मिलने वाला साधु महात्मा, तो उनको महाभाव आ जाता था, अचेतन होने लगते थे कि भगवान राम का और कृष्ण का नाम मेरे कानों में आता है, मैं कितना भाग्यशाली हूं। रामकृष्ण ने भी वृंदावन में भक्ति की थी भगवान की, गोपी भाव में ही भक्ति की थी, उनके विशेष प्रमाण इस बात के, और वो गोपी स्वरूपा ही हो गए थे। प्रमाण मिलते हैं इस बात के कि 6 महीने के अंदर भी उनका भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था, उनके स्तन उभरने लगे थे गोपियों की तरह। किसी स्त्री के जैसे स्तन उभरते हैं, गोपी भाव में भक्ति करते थे वो। एक ऐसी संप्रदाय है वृंदावन में जिसमें गोपी भाव में भक्ति होती है। तो भक्त कहीं से भी भगवान की भक्ति करना शुरू करे वो उच्चतम शिखर पर पहुंचता है, जिस भाव से भी करता है, सखा भाव है, मित्रवत भगवान को व्यवहार करते हैं लोग, दास भाव है, बात्सल भाव है, माता पिताओं की तरह भगवान को पूजते हैं, पालते हैं, खिलाते हैं, प्रेम करते हैं, नाम लेते हैं उनका, जैसे माता पिता अपने बेटे का, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा रानी कन्हैया का कान पकड़ के कहती थी, बोल कन्हैया, सब लोग कह रहे हैं तूने माटी खाई है, दिखा, मुंह खोल के दिखा। भगवान ने दिखाया, लेकिन यशोदा मां ने तो ब्रह्मांड देखा अंदर मुंह में, तमाम ब्रह्मांड, चांद सूरज, नंद बाबा का घर और उसमें नंद बाबा बैठे हुए हैं, मां महाभाव में आ गई, मूर्छा हो गई, बुला दिया कृष्ण ने सब कुछ, क्या देखा क्या नहीं देखा। भगवान ब्रज में मिट्टी खा रहे हैं ये जानकर कि इस ब्रज भूमि में मेरे एक से एक बढ़कर शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं, ले रहे हैं, आज भी हैं, कल भी थे, कल भी होंगे, आज भी हैं, आज भी भगवान के शुद्धतम भक्त वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदग्राम, बहुलावन, कदम्बन, इनमें मिलते हैं, और इतने सीधे सरल स्वभाव में मिलते हैं कि आप उनको पहचानने में गलती कर देंगे, नहीं पहचान पाएंगे। शुद्ध भक्त आडंबरी नहीं होता, दिखावा नहीं करता, ना ही याचक होता, ना ही किसी से कुछ मांगता है, पैसा या सुंदर वस्त्र,
जैसा प्रभु सप्लाई कर दे आनंद लेता है, बल्कि एक्सेस सप्लाई कर दे तो रिजेक्ट भी करता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, दो कपड़े हैं, दो जोड़ी कपड़े हैं, पांव में चप्पल हैं, सब आनंद है, आप आनंद में रहो, भगवान आपको भी प्रसन्न रखें, भगवान अपनी भक्ति तुम्हें भी दें, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। प्रेमा भक्ति गोपियों की होती है। तो ये दुराचारी व्यक्ति भी, चांडाल भी, या कोई लेस इंटेलिजेंस वुमेन भी, या संसार में व्यापार में फंसा हुआ आदमी भी, यहां तक कि वैश्य भी, यदि भगवान की शरण लेकर उनका भजन करे, भक्ति करे, साधन भक्ति में प्रवेश करे, बेशक अपना धंधा नहीं त्यागे, तब भी भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी शीघ्र ही परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। परम शांति तो भगवान के धाम में मिलती है, और कहीं नहीं मिलती। भगवान कहते हैं शश्वत शांति निगच्छति, वो सनातन इटर्नल पीस को प्राप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक शांति उनके हृदय में व्याप्त हो जाती है, या जमीन पर भी और शरीर छोड़ने के बाद भी उनको भगवान का धाम मिलता है। क्षिप्रम भावती, क्षिप्रम अनि शीघ्र, क्षिप्रम भावती धर्मात्मा, शीघ्र ही वो चांडाल या वैश्य या दुराचारी महात्मा हो जाता है, महान आत्मा। महान आत्मा कहते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसको महात्मा कहते हैं। हर किसी को नहीं, सम्मान बेशक सभी को देना चाहिए। सम्मान देना तो दैवी गुण है, सभी को सम्मान देना चाहिए, पशु पक्षियों को भी सम्मान देना चाहिए। फिर कोई भगवान की साधना कर रहा है उसको महात्मा कह दो तो इसमें हर्ज नहीं है, आपका बड़प्पन है। यहां तक कि किसी ने साधु के कपड़े भी पहन लिए हैं और अंदर से साधु नहीं है, तब भी महात्मा कह दो तो आपका बड़प्पन है, आपकी तरक्की है आध्यात्मिकता की ओर। और कोई महात्मा भी हो, रियल महात्मा, और उसको तुम तिरस्कार करो, इग्नोर करो, या अपना जैसा ही मानो, या कोई लालची ग्रीडी पैसे का मानो, तो ये हमारा बड़प्पन नहीं है, ये हमारा छोटापन है। सोचने की बुद्धि कम है हमारे अंदर, अहंकार प्रबल है हमारे अंदर, इसलिए एक महात्मा को भी हम महात्मा कहने में संकुचित होते हैं, सर्ग सुकड़ते हैं, नहीं कह पाते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि महात्मा ये लंगोटी में घूम रहा है, आगे पीछे कुछ है नहीं, भोजन की तलाश में डोल रहा है, ये फक्कड़ को हम क्या महात्मा कहें, या ये गरीब घर में रह रहा है, अपने बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे खिला पिला रहा है, इसको क्या हम महात्मा कहें। तो इसमें हम संकुचित होते हैं, सुकड़ते हैं, छोटे बनते हैं, फैलते नहीं। फैलेगा तो वही जो सबको सम्मान करेगा, सबको आदर सत्कार करेगा, सबको प्यार करेगा, वो फैलेगा, सुकड़ेगा नहीं। सुकड़ेगा तो वो जो प्यार की कला नहीं सीखेगा, सम्मान देना नहीं सीखेगा,
किसी को आदर स्वागत नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, बगल में से मुंह फुला के निकल जाएगा, वो सुकड़ेगा। भगवान के भक्त कमल के फूल की तरह खिलते हैं हृदय में भी और चेहरे पर भी, नेत्रों में भी। भगवान के भक्तों के जो वैरी हैं वो मुंह फुलाए हुए रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, नजरों में क्रूरता समाई हुई रहती है, हृदय में धूर्तता समाई रहती है, वो सुकड़ चुके हैं, उनका पतन संभव है, उनको दुख तकलीफें घेरने वाली हैं, घेरे हुए हैं, वो सुखी नहीं है। वो अपने मन में ही बुद्धिमान बनते हैं, वो उनकी मर्जी है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे सुदामा, बड़े गरीब थे, ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, लेकिन दरिद्र थे। घर में कुछ नहीं है, उसको दरिद्र बोल देते हैं। खाने को भी अन्न नहीं था, पहनने को कोई वस्त्र नहीं थे, टूटी सी एक छपरा था उसमें रहते थे, पत्नी थी उनकी एक सुशीला। बच्चों का प्रमाण तो मुझे नहीं मिला कहीं, लेकिन पत्नी थी। अभी इतने ये शुद्ध महात्मा थे, भगवान के भक्त थे, कि भगवान इनको आलिंगन करके अश्रुपात करने लगे। अभी ऐसे छुपे हुए महात्मा आदरणीय नहीं है तो कौन है फिर? जिनको आत्मज्ञान है वो तो वृक्षों को भी सम्मान करते हैं, वृक्षों की जड़ों को अपने हाथ से छूकर सर के लगाते हैं, ये समझ के कि मेरे परमात्मा इस वृक्ष के अंदर भी। सुदामा जी तो बड़े गरीब थे, और कुछ समय उन्होंने ऐसा निकाला कि एक व्रत ले लिया, उस व्रत का नाम है ययाचिक व्रत। ययाचिक व्रत का मतलब ही यह है कि याचना नहीं करना, किसी भी वस्तु की किसी से भी लेने की याचना नहीं करना, मांगना नहीं। तो बड़ी और भी गरीबी हालत हो गई। आखिर एक दिन काफी भूखा था परिवार उनका, दो दिन से घर में किरपा एसएनजी रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स करवर का स्वाद होवे गर्मा गर्म मक्की दी रोटी ते सरों दा साग होवे मन करे छोले भटूरे खानू लोड़ नहीं किधरे जानू गर्मा गर्म जलेबी गुड़ नाल बनिया ते शुगर फ्री मिठाइयां खरीदन दे लई प्रभु किरपा एसएनजी रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 34-03 रॉकवे बुलेवार्ड ओजन पार्क न्यूयॉर्क बधेरे जानकारी लिए लिखे नंबर ते कॉल करो खूबसूरत पार्टी लिए हाल दा भी प्रबंध है अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी ताजियां हरियां सब्जियां मन पौंदे फ्रेश फल इंडियन बेस्ट इंडियन पाकिस्तानी अते बंगाली ग्रोसरी खरीदन दे लई 7 दिन 24 घंटे आप दी सेवा करता है अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी 114-15 अटलांटिक एवेन्यू रिचमंड हिल न्यूयॉर्क बधेरे जानकारी लई कॉल करो